ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस का। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। जिले में स्टेडियम की मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी, जिसके लिए पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी स्वीकृति जताई थी। प्रदेश सरकार ने फिर से में मिनी स्टेडियम के लिए 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिसमें से 40 लाख की राशि अब मिनी स्टेडियम के लिए अब मुक्त भी कर दी गई है। धन सिंह रावत का कहना है कि इससे प्रदेश के साथ पूरे देश में फिरसू को अलग पहचान मिलेगी। उनका कहना है कि पहाड़ी बच्चों को आने वाले समय में इस स्टेडियम से बहुत सी सुविधाएं दे दी जाएंगी, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा को और निखार सके। पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता और अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। याचिका में 3 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूरी और विजय बहुगुणा को पार्टी बनाया गया था और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा खर्चों को माफ करते हेतु लाए गए अध्यादेश को देहरादून की रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रूलक संस्था द्वारा इस अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अध्यादेश पास कर पूर्व मुख्यमंत्रियों का किराया माफ किया है, जो असंवैधानिक है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ में ध्रुव सिंह चौहान और गंगा नहर पुलिस ने उत्पीड़न याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को 15 दिनों के भीतर उक्त प्रकरण के दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश देने के साथ ही सीबीआई से शुरू से पुनः जांच करने के आदेश दिए हैं। धीर सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2011 में गंगानगर थाना द्वारा उसको दहेज उत्पीड़न के मामले में 48 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस कस्टडी में रखे जाने पर कोतवाली गंगानहर में एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस द्वारा उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति संबंधित प्रमाण पत्र पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी। पूर्व में देशराज कर्णवाल के प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा गया था और गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। रिपोर्ट में उक्त विधायक के जाति संबंधित प्रमाण पत्र को सही पाते हुए न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया। और आपको बता दें कि विपिन तोमर ने जनहित याचिका दायर कर बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्रों को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया कि देशराज कर्णवाल उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मूल निवासी हैं। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हरबोला ने रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में उधम सिंह नगर के सभी नगर निकायों, परिवहन, चिकित्सा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग, वन विभाग की स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जनपद में अब तक स्वच्छ भारत मिशन, प्रदूषण, कूड़ा निस्तारण, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राजीव आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हरबोला द्वारा प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ सिडकुल की जिंसोस और हरबो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री में कई खामियां उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि हर माह दाल राशन कार्ड धारकों को वितरित कर सरकार गरीब जनता का उपहास कर रही है और इस दौरान उन्होंने आशंका जताई है कि लंबे समय तक सरकार की योजना नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार की अब तक कई योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को हर माह 2 किलो सस्ती दरों पर दालें दी जानी। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तर प्रदेश और गदरपुर क्षेत्र की लगभग 2 लाख की आबादी लाभान्वित होती है, लेकिन गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर विभाग में स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गदरपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 डॉक्टर होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 2 एलोपैथिक डॉक्टर भी मौजूद हैं और 1 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, साथ ही स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय भी कम है, जिसके लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा चुका है। धर्मनगरी हरिद्वार में कुकुरमुत्ते की तरह फैली अवैध ट्रैवल्स एजेंसियों पर राज्य कर विभाग सख्त हो गया है और इसके तहत राज्य कर विभाग की टीम ने शहर में संचालित हो रही कई ट्रैवल्स एजेंसियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। राज्य कर विभाग की कार्रवाई से ट्रैवल एजेंसी संचालकों में दहशत का माहौल है, साथ ही साथ विभाग की टीम ने कार्रवाई कर ट्रैवल्स एजेंसियों के दस्तावेज जब्त कर लिए। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। देवभूमि में शराब की फैक्ट्रियों को लेकर हरिद्वार के देवपुरा चौक पर पिछले 11 दिनों से अनशन कर रहे लोगों ने अब अपना आंदोलन तेज कर दिया है और आंदोलन में बड़ी संख्या में साधु संतों ने पहुंचकर क्रमिक अनशन को अपना समर्थन दिया और राज्य सरकार से तत्काल शराब की फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग की। संतों ने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो संत समाज जेल भरो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। संतों ने कहा कि एक ओर तो केंद्र सरकार नमामि गंगे जैसी योजनाएं चला रही है, दूसरी ओर राज्य सरकार देवभूमि में गंगा के उद्गम स्थल देवप्रयाग में शराब की फैक्ट्री स्थापित कर रही है।